नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीब करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। आज की अद्भुत कथा एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ जुड़ी हुई है और आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आज यह अद्भुत कथा आपको लेकर जाने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के बारे में, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आईफोन एप्पल नाम की यह लोक प्रचलित कंपनी मोबाइल्स और कंप्यूटर से संबंधित अन्य उपकरणों के लिए बहुत मशहूर है, जिसके संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। और फेसबुक के विषय में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फेसबुक पूरे विश्व भर में आज प्रत्येक व्यक्ति लगभग फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि फेसबुक भी एक बार बहुत ही संकट की घड़ी में आ गया था, और जो फेसबुक कंपनी के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक को बेचने के बारे में सोचने लगे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, कैसे उनको एक नई शुरुआत कह लीजिए, या आप इसको यह कह लीजिए कि कैसे उन्हें फिर से फेसबुक में इसको आगे लेकर जाने के लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह हमारे महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ। सुनने में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला यह वाक्य लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल 100% सत्य है। इस बात को मार्क जुकरबर्ग ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक को यह बात बताई थी। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इसी संज्ञान की ओर। वैसे तो नीम करौली बाबा जी के हमारे लाखों और ना जाने कितने अनगिनत भक्त रहे हैं, तो नीम करौली बाबा जी के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट तक का नाम शामिल है। उत्तराखंड के कैची धाम की बहुत ही मान्यता है, आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर सच्चे मन से माथा टेकने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच भारत भ्रमण पर नहीं बल्कि एक बहुत ही आध्यात्मिक खोज के लिए आए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो किसी के भी जीवन में अछूते नहीं हैं। तो ऐसे ही एक मकसद से एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे। तो एक उनके मन में एक लालसा थी कि वे एक सच्चे गुरु की तलाश में थे। तो पहले तो स्टीव जॉब्स हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि हरिद्वार आप जानते हैं कि एक ऐसा तीर्थ है जो विश्व के कोने कोने में विख्यात है। तो ऐसे ही सुनकर स्टीव जॉब्स पहले हरिद्वार आए, फिर उन्हें किसी तरह कैची धाम के बारे में पता लगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उस समय हमारे महाराज जी जो थे वह महापर्याण की तरफ बढ़ चुके थे, उनकी समाधि हो चुकी थी। तो ऐसे में फिर उन्होंने महाराज जी के विग्रह के दर्शन किए कैची धाम आकर। और ऐसा बताया जाता है कि जो एप्पल कंपनी का लोगो है, अगर यदि आपने कभी एप्पल कंपनी आईफोन, आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, जो कि बहुत विश्व प्रचलित उनके मोबाइल हैं, तो उसका जो चिन्ह है, जो लोगो है, उसका जो चिन्ह है, उसकी प्रेरणा भी उन्हें कैंची धाम से ही मिली। क्योंकि हमारे महाराज जी को सेब बहुत पसंद थे, और ऐसा बताया जाता है कि जब स्टीव जॉब्स को मंदिर की तरफ से प्रसाद प्राप्त हुआ तो उस प्रसाद में एक सेब उन्हें मिला जो कि आधा कटा हुआ था, और वही कटा हुआ सेब जो है आज एप्पल कंपनी के लोगो पर भी आपको देखने को मिलेगा। जो एप्पल कंपनी का चिन्ह है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वह
लोगों भी उन्हें कैंची धाम से ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह स्टीव जॉब्स आईफोन कंपनी के जो संस्थापक हैं, उन्हें भी प्रेरणा हमारे बाबा नीब करोरी के द्वारा ही मिली, उन्हीं के आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मिली। और ऐसा बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स का मानना है कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और उन्हें इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी का ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब दूसरा जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो आज की कहानी का मुख्य शीर्षक भी रहा है, वह कैसे है कि एक बार फेसबुक कंपनी के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग ने 27 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया कि, और इस दौरान क्या था कि पीएम मोदी जी फेसबुक के मुख्यालय गए हुए थे, तो इस दौरान मार्क जुकरबर्ग ने हमारे प्रधानमंत्री को अपने भारत भ्रमण की बात बताई। उन्होंने कहा जब वे इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तो ऐसे संशय में उन्हें बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर जाने की सलाह दी। और यह इंटरव्यू, यह जो प्रधानमंत्री जी के साथ भेंट हुई है मार्क जुकरबर्ग की, यह कई जो टीवी चैनल्स हैं उन पर भी यह खबर आई थी। आप आसानी से इसका वीडियो भी यूट्यूब पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि वे गए थे और भारत भ्रमण पर उन्हें कैसे विशेष एक मंदिर में उन्होंने दर्शन किए एक आध्यात्मिक गुरु के, उसके बाद उन्हें वहाँ से 2 दिन वहाँ रुकने के बाद में ये इस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जुकरबर्ग ने आगे बताया कि वे 1 महीना भारत में रहे, इस दौरान वे कैंची धाम मंदिर गए थे। और जुकरबर्ग तो यहाँ वैसे तो 1 दिन के लिए आए थे, जो उनका मंदिर में रुकने का जो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी वह 1 दिन की थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें 2 दिन इस मंदिर में रुकने का बड़ा ही सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मार्क जुकरबर्ग इस बात को भी कबूलते हैं कि उन्हें भारत में इस मंदिर में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति मिली जिसके बाद उन्होंने फेसबुक को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त की। और उन्होंने अपनी बात में यह खास तौर पर बताया, क्योंकि स्टीव जॉब्स मार्क जुकरबर्ग से पहले कैंची धाम आ गए थे, तो जब वे उनका कहना था कि जब वे सोच रहे थे कि फेसबुक को बेचा जाए या क्या किया जाए आगे, क्योंकि फेसबुक में उन्हें काफ़ी जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जब आपका जो संस्थान है और उसे जब पूरी तरह से, या आप ये समझ सकते हैं कि एक समान व्यवस्था के साथ नहीं चलाया जाए, तो ऐसे में असमंजस आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो इस असमंजस की स्थिति में उन्हें जो स्टीव जॉब्स कंपनी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो स्टीव जॉब्स हैं उन्होंने प्रेरणा दी कि वे कैंची धाम जाएं, और वहाँ से फिर उन्हें ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे उन्हें आगे चल के बहुत ही एक मानसिक शांति मिली। और आज आप सभी जानते हैं कि फेसबुक किस मुकाम पर है। तो यह साक्षात्कार हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो फेसबुक के मालिक हैं उन्होंने साझा किया। तो आप सभी समझ सकते हैं, वैसे तो इस विषय पर अगर चर्चा की जाए तो इसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, तो जितना अभी इसको मैं कह सकता था मैंने उतना आपके साथ साझा किया है। तो आज की अद्भुत कथा आपको कैसी लगी? यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज जी का आपके लिए कथन लेके आए थे, महाराज जी की इस कथा को लेकर आए थे, तो आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।